أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد। मेरे तमाम सुनने और देखने वाले मोमिनीन और मोमिनात को मेरी तरफ़ से और मेरे चैनल नाते के कुरान की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अय्याम अज़ा हदिया ताज़ियत पेश करते हैं अपने वक्त के इमाम इमाम असर अजलल्लाहु ताला फरज शरीफ की बारगाह में, और पुरसा पेश करते हैं जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में। परवरदिगार से दुआ है कि दोनों हस्तियां हमारी इस ताज़ियत को और हमारे इस पुरसे को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाएं। करबला हर तरफ से जिस अंदाज से भी देखी जाए हर बंदे के लिए हर मोमिन के लिए दरसगाह है। अगर जवान इसको पढ़ें उनके लिए दरसगाह, बुज़ुर्ग इसको पढ़ें उनके लिए दरसगाह, बच्चे इसको समझने की कोशिश करें तो बच्चों के लिए कई तरह के सबक करबला के वाक़े में मिलते हैं। करबला अगर इंसान किस्से और कहानी की तरह देखे तो इससे कुछ हासिल नहीं कर सकेगा। करबला से तब इंसान को कुछ हासिल होता है जब करबला से इबरत हासिल करने के लिए, करबला से सबक हासिल करने के लिए करबला को इस अंदाज से देखे कि इंसान इससे कुछ सीख सके, इंसान इससे कुछ इबरत हासिल कर सके। और करबला हर उम्र के हर फर्द के हर मर्द व जन के लिए यकीनन एक दरसगाह है। सिर्फ नेक कारों के लिए नहीं, सिर्फ मोमिनीन के लिए नहीं, फ़कत मुत्तकियों के लिए नहीं। करबला में तो ऐसे ऐसे मारके नज़र आए हैं, ऐसे ऐसे वाकयात नज़र आए हैं कि इंतहाई गुनहगार भी कब करबला को अपने सामने देखता है तो वो एक मर्तबा उसका ज़मीर उसे झंझोड़ता है और उसको दरियाए मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर ले आता है। जी मेरी मुराद वाक़ करबला के सबसे पहले सिपह सालार जिसने दुश्मन की तरफ से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में रोकने की जसारत की, जिसका नाम है हुर। इसने करबला के मैदान में सबसे पहले हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सवारी को रोका था। मगर करबला अगर गुनाहगार को गुनाहगार रहने दे, खताकार को खताकार रहने दे तो करबला ने कोई मकसद हल नहीं किया। करबला तो थी तबलीग, करबला थी अपने नाना की उम्मत की इस्लाह का सबब। अगर उम्मत में से एक बंदे की भी इस्लाह उस करबला के वाक़े में ना होती तो किस तरीके से कोई मोमिन कोई मुसलमान ये समझ सकता कि करबला में दर्स भी है, करबला में सबक भी है। याद रखो कि जब भी करबला को देखो, जब भी करबला को पढ़ो, जब भी करबला को समझने की कोशिश करो तो इसके अंदर गोता जन हो, इसके अंदर डूब जाओ, और जब डूबोगे तो इससे फिर लाल और जवाहर लेकर बाहर आओगे। अगर इसके साहिल पर खड़े रहे, इसको देखते रहे, इसको सोचते रहे, इसको समझने की कोशिश ना की और सिर्फ इसके नज़ारों को देखते हुए, इसके सदमात को देखते हुए बस किनारे से वापस चले गए तो इस वाक़े करबला से कभी कुछ हासिल नहीं कर सकोगे। करबला किस तरीके से इंसान की तबीयत पर असर डालती है इसकी एक रोशन मिसाल करबला के मैदान में हुर का किरदार मिलता है। 10 मुहर्रम की शब थी, हुर परेशान अपने खैमे में फिर रहा था कि गया उमर साद के पास और उससे पूछने लगा क्या वाकई सुबह जंग होगी। तो उसने कहा जंग ऐसी जंग होगी कि सर कट कट के ज़मीन पर गिरेंगे। ये खैमे से बाहर आया, इसकी आंखों में नमी थी, किसी ने देखा तो कहने लगा कि हुर क्या तू इन 72 से डर गया है?
अगर कोई मुझे पूछता ना कि लश्कर यजीद में सबसे दलेर कौन है, तो हुर मैं तेरा नाम लेता, मगर क्या बात है तेरी आंखों में नमी क्यों है, इन 72 का खौफ तेरे दिल पर कितना ज़्यादा क्यों है। तो सुनोगे हुर ने क्या कहा, हुर ने कहा मुझे इन 72 का खौफ नहीं है, इन 72 से मैं नहीं डरता, इन 72 से मैं घबराया हुआ नहीं हूँ, मगर मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि मैं सैयदा जहरा सलामुल्लाह अलैहा को क्या जवाब दूँगा। अगर मैं जनाब सैयदा की लखते जिगर कई गुस्साखी करता हूँ तो जनाब सैयदा को क्या जवाब दूँगा, जनाब सैयदा की बेटियों की गुस्साखी करता हूँ तो मैं जनाब सैयदा को क्या जवाब दूँगा। हुर ने इरादा किया और देख रहा था, अपने बेटे को बुलाया, मशवरा किया और अपने बेटे से कहा देख एक तरफ जन्नत है, एक तरफ जहन्नम है, एक तरफ दुनिया है, एक तरफ आखरत है, देख दुनिया में बड़ा माल मिलेगा, बड़ा मकाम मिलेगा, बहुत लोग इज़्ज़त करेंगे, बड़ी हकूमत हमारी बन जाएगी, मगर याद रखना हमारी आखरत तबाह बर्बाद हो जाएगी। मगर बेटा अगर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ देते हैं तो ज़िंदगी हमने बड़ी अच्छी गुजार ली है, बड़े अच्छे तरीके से रह लिया है, यहाँ पे जो कुछ खाना था खा लिया है, यहाँ पे जो कुछ हमने करना था कर लिया है, मगर आज अगर हुसैन का साथ देते हैं दुनिया तो हमसे छूटेगी लेकिन आखरत में यकीनन हमें कामयाबी मिलेगी। तो बता बेटा तेरा क्या मशवरा है। तो हुर के बेटे ने कहा बाबा इस दुनिया से क्या लेना है, जिस दुनिया में रहना नहीं, एक दिन आना ही आना है कि इसको छोड़ के जाना है, तो चलें हम वहीं पर चलते हैं कि जहाँ पर आकबत भी संवर जाती है, जहाँ पे आखरत भी संवर जाती है और जहाँ पर हमेशा रहने के इंतज़ाम किए जा सकते हैं। तो हुर ने जाने का इरादा कर लिया, बेटे को पूछा तेरा क्या इरादा है, कहा बाबा जन्नत की तरफ जाते हैं तो मैं क्यों ना आपके साथ जाऊँ। हुर का ग़ुलाम भी साथ हुआ, हुर का भाई भी साथ हुआ, हुर का बेटा भी हुर के साथ चला। अब जैसे ही ख़याम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ने लगा ना हुर, तो थोड़ा सा दूर जाकर रुक गया और अपने बेटे से कहा कि बेटा मेरी आंखों पर पट्टी बांध दो। कहा बाबा पट्टी क्यों बंधवाते हो, कहा मैंने इन आंखों से गज़बनाक हालत में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा है, मैंने इन आंखों से मौला हुसैन की गुस्ताखी की है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि दोबारा मेरी आंखें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखें और मैं इतना गुनहगार हूँ, ख़ताकार हूँ। और कहा कि मेरे हाथों को भी बांध दो। बेटे ने कहा बाबा हाथों को क्यों बंधवाते हैं, कहा तुझे नहीं पता कि मेरे इन गुनाहगार हाथों ने जब हुसैन के जुलजना को रोका था, हुसैन की सवारी को रोका था, तो जितनी महमल पे बीबियां सवार थीं सब परेशान हो गई थीं, मैं बड़ा गुनाहगार हूं बेटा, मुझे इस तरह लेके जा जिस तरीके से कैदी जाते हैं। हुर के बेटे ने अपने बाबा के आंखों पे पट्टी बांधी, अपने बाबा के हाथों को बांधा और चल पड़े खयाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब। कि हुर को महसूस हुआ कि कोई आ रहा है, तो उसने पूछा बेटा ये कौन है जो हमारी तरफ बढ़ रहा है। कहा हमारी तरफ आने वाला कोई और नहीं है, ये हज़रत अब्बास अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं। कहा इनको बताओ कि मैं जंग करने के लिए नहीं आया, मैं माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ, इनको बताओ कि मैं जुल्म करने नहीं आया, मैं तो अपने गुनाह की तौबा करने के लिए आया हूँ। तब हज़रत अब्बास आगे बढ़े, आंखों से पट्टी उतारी, हाथ खोले और कहा देखो कि सामने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपके मुंतज़िर खड़े हैं। हुर ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब अपने सामने देखा, हुर का चेहरा झुक गया, हुर की निगाहें झुक गईं। हुर मौला के कदमों में गिर के कहता है कि मौला क्या मेरे जैसे गुनाहगार के भी कोई बख्शिश और माफ़ी का ज़रिया कोई दरवाज़ा है, कि मेरे जैसा गुस्ताख जिसने सैयदा की बेटियों को परेशान किया है, जिसने सैयदा के बच्चों को परेशान किया है, क्या उसकी माफ़ी का कोई ज़रिया है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुर को उठाया, अपने गले से लगा कर कहा हुर मैं भी तुझ पे राजी, मेरी माँ भी तुझ पे राजी, मैं भी तुझसे खुश हूँ, मेरी माँ भी तुझसे खुश है कि तू मेरी मदद के लिए आया है। अब हुर ने कहा मौला आप तो राज़ी हो गए, मगर मेरे दिल में हसरत है कि जब मैंने आपकी सवारी को रोका था तो महमलों में कोहराम पपा हुआ था कि कौन है जो हुसैन से गुस्ताखी करता है, मैं चाहता हूँ कि मैं जनाब सैयदा की बेटियों से माफ़ी तलब कर लूँ। उस वक्त हज़रत अब्बास
हुर को ख़याम के करीब ले गए और हुर ने बावाज़े बुलंद कहा कि मुख़द्दरात इस्मत, मैं गुनाहगार हुर हूँ, मैं माफ़ी का तलबगार हूँ, मैं मददगार इमाम हुसैन बन कर आया हूँ। अंदर से जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की आवाज़ आई, तुझ पर भी हमारा सलाम हो और हम भी तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि इस गुरबत के आलम में तूने मेरे भाई हुसैन की मदद का इरादा किया। हुर ने अपने बेटे को कहा कि सबसे पहले तू जाएगा मैदान करबला में और सबसे पहले मेरी तरफ़ से कुर्बानी जो है वो दी जाएगी। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कबूल किया। बेहतरीन तरीके से हुर का बेटा लड़ा। हुर ताकतवर था, हुर शुजा था, हुर बहादुर था। हुर का बेटा हुर की तरह बहादुर था, बड़ा मुकाबला किया, बड़े जहन्नम में वासिल किए और विलाखिर घेर कर जब हुर के बेटे को निशाना बनाया गया और शहीद कर दिया गया, हुर जल्दी से अपने बेटे की तरफ भागा। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुर को पकड़ लिया और फरमाने लगे कि याद रख, जवान बेटे के लाशें बाप से उठाए नहीं जाते, तू अकेला हुर अपने बेटे का लाशा नहीं उठा सकेगा, इसलिए हुसैन तेरे बेटे का लाशा उठाने तेरी मदद करने के लिए आ गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।